मैं तब से था जब से पापा ने डायरी देना बंद कर दिया. एक बार दी थी उन्होंने डायरी, तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया, तो उन्होंने तब से मेरे को डायरी दे दी. बोले यार तुम पढ़ लो, सीए बन लो, फिर करना. जो हम सीए बन गए तो हमने सोचा तब लिखते हैं. बट मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको. लेकिन मैं शुरू कहीं और से करना चाहता था. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी, जब किसी ने पिता का जिक्र किया और उस से ही रिलेटेड मैं एक भाव प्रस्तुत करता हूँ. क्योंकि पिता क्या होता है कि अपनी ख्वाहिशें किस तरह से दबाता है. हम मतलब आज की एज में सैलरी आई, दो शर्ट, तीन जूते, ये सब लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब वो पिता बनता है तो उसी का एक भाव है कि वो क्या बहाने बनाता है. जब मैं अपने पिता से कहता हूँ कि पापा आपकी शर्ट पुरानी हो गई है, नहीं ले लो. कुछ ख्वाब हैं जो छिपाकर मैंने, कुछ ख्वाब हैं जो छिपाकर मैंने रखे हैं अपने तकिए के तले. कुछ ख्वाब हैं छिपाकर मैंने रखे हैं अपने तकिए के तले. देखूंगा उन्हें फुर्सत से कभी, आंखों में भरी है नींद अभी. और यहाँ पे देखा जब तो आशिकी का बहुत बढ़िया समा है, बहुत बढ़िया दौर चल रहा है. तो मैं जब लिखना शुरू किया था ना, तब मैं और मेरा दोस्त एक दो चीज़ कहते थे. अगर कोई पोएट्री लिख रहा है, अगर कोई कविता लिख रहा है, गौर कीजिएगा, तो या तो उसकी लाइफ में ये बात पक्की है कि कोई कविता है, और कोई उत्कृष्ट कविता लिख रहा है तो उसकी लाइफ में कविता रही होगी. समझ रहे हैं? तो जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, हमने कहा इसकी लाइफ में कविता रही होगी, उत्कृष्ट लिख रहा है भाई. तो उसी को अंग्रेजी में एक 5 फुट 8 इंच के बड़े मिथुन राशि के शायर ने कहा है. इफ यू वॉन्ट टू, उससे पहले मुझे कहा गया कि जब मैं लिरिक्स लिखता था गाने के, कि आपको एक कागज चाहिए, एक पेन चाहिए. ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, जब मैं पोएट नहीं हूँ. तो तब मैंने लिखा कि इफ यू वॉन्ट टू राइट अ पोएट्री देन फाइंड योर सेल्फ अ पोर्शिया. पोर्शिया वही है जो शेक्सपियर की कहानी में थी, जिसमें बसेनियो भाई साहब ने अपने दोस्त के 3 पाउंड ऑफ फ्लैश कर्जे पे लगा दिए थे. तो इफ यू वॉन्ट टू राइट पोएट्री देन फाइंड योर सेल्फ अ पोर्शिया. She will give your writing the actual needed inertia. Does not matter if you are from India, England or Russia or for God's sake from Persia. But if you want to write poetry, find yourself a poet. तो मैंने कहा यार मैं कविता लिखूंगा तो पिताजी सोचेंगे इसकी लाइफ में या तो कविता है या रही होगी. तो मैंने जो पहली लाइन लिखी वो ये लिखी, No, I'm not a poet. No, I'm not a poet. I cannot write the best. No, I'm not a poet. I cannot write the best. But then I think of her. Her thoughts do the rest. पर मेरा जो टॉपिक है वो फुर्सत है. तो जब पिताजी वाला सुनाया था तो उसमें भी फुर्सत थी. लेकिन जो एक्चुअल मैं सुनाना चाहता हूँ पहला, ये भी शायद मेरा पहला सीरियस कुछ भाव लिखा था. क्योंकि पोएट्री जो है उससे बहुत ज़्यादा है, आशिकी और इश्क से बहुत ज़्यादा है. और ये वो भाव है जो मैं ये समझता हूँ आजकल हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा. दे सके तो कोई, ये हुआ क्या, मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मेरे बॉस ने मुझे बुला के कहा कि कल्पक यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब, क्या बैलेंस शीट बनाई है, इतना हार्डवर्क किया है, मांग बच्चा क्या मांगता है. मैंने कहा यार क्या मांगू. फिर उन्होंने फॉर्म बगला दिया, उसमें लिखा था 10% इंक्रीमेंट, 12% इंक्रीमेंट, 15% इंक्रीमेंट. तो उसी पे एक भाव पे कहा है, दे सके तो कोई दो पल फुर्सत उधार दे, दे सके तो कोई दो पल फुर्सत उधार दे, बेफिक्र मुस्कुराऊं वो बचपन उधार दे. दे सके तो कोई दो पल फुर्सत उधार दे, बेफिक्र मुस्कुराऊं वो बचपन उधार दे. दौड़े हैं पांव धूप में जिंदगी की दौड़ में, दौड़े हैं पांव धूप में जिंदगी की दौड़ में, जलते हैं पांव धूप में थोड़ी छांव उधार दे. दे सके तो कोई दो पल फुर्सत उधार दे, बेफिक्र मुस्कुराऊं वो बचपन उधार दे. बरसे तो हैं शहर में ये बादल कई दफा, बरसे तो हैं शहर में ये बादल कई दफा, पर मुझको जो भिगोए वो बारिश उधार दे. दे सके तो कोई दो पल फुर्सत उधार दे, बेफिक्र मुस्कुराऊं वो बचपन उधार दे.
फिर याद आता है किस दौर में हम खुश हुए थे। मेरी बर्थडे थी जब, हाँ मैंने सेल्फी तो दी थी, स्माइल की थी, लेकिन शायद खुश नहीं हुआ था। दिवाली पे मैं पटाखे खरीदने में बिजी था और होली पे रंग छुटाने में। उसी पे मेरा ये आखिरी क्या बोलते हैं मक्तब शेर। आई एम नॉट दैट गुड इन ऑल दिस बट आई थिंक आई एम गुड इन वर्ड्स। खुशी तेरा भी एक कर्जा हुआ है मुझ पर, गौर कीजिएगा, खुशी तेरा भी एक कर्जा हुआ है मुझ पर, अरसा गुजर गया तू आई ना पलट कर। खुशी तेरा भी एक कर्जा हुआ है मुझ पर, अरसा गुजर गया तू आई ना पलट कर, फिर से मुस्कुराऊं वो लम्हा उधार दे, दे सके तो कोई दो पल फुर्सत उधार दे, बेफिक्र मुस्कुराऊं वो बचपन उधार दे। ये एक भाव है, जैसे लोग कहते हैं कि सुबह होती है फिर सीधे रात हो जाती है, शाम तो होती ही नहीं आजकल। जिस शाम के लिए हम इंतजार करते थे, 4:30 बज गए मम्मी चला जाऊं, वो शाम होती नहीं है। अगर वो शाम आपको किसी चौराहे पे खड़ी मिल जाए तो आपको गिल्ट फीलिंग होगी कि नहीं होगी। मैं मुस्कुराना सीख जाऊं फिर से अगर, तो क्या अपनी शामों में शामिल करोगे मुझे। मैं मुस्कुराना सीख जाऊं फिर से अगर, तो क्या अपनी शामों में शामिल करोगे मुझे। मैं भूला नहीं वो रास्ते वो मंजिल, मैं गुजरूं उस गली से फिर से अगर, तो क्या फिर से पहचान लोगे मुझे। ये भाव है जिसमें हम दौड़ रहे हैं और वो शाम भूल रहे हैं, वो जीना भूल रहे हैं। दौड़ रहा है किसके पीछे कितना तूने जोड़ा है, साथ जाए ना एक अठन्नी क्या ज्यादा क्या थोड़ा है। दौड़ रहा है किसके पीछे कितना तूने जोड़ा है, साथ जाए ना एक अठन्नी क्या ज्यादा क्या थोड़ा है। फिर काहे तू मोह सजाए इन बेजान सिक्कों का, सोच जरा इनके बदले में क्या क्या तूने छोड़ा है। जब हम कविता लिखते हैं तो तरह तरह के इसी तरह के जज्बात निकलते हैं, जब कलम उठाते हैं तो कई भाव उबलते हैं। मैं इश्क पे बात फिर कभी करूंगा, सबका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिठास हो चुकी है। ये हमारे भाव हैं, पर जब हम कलम उठाते हैं तो कलम के क्या भाव होते हैं। मैंने सोचा कलम क्या सोचती होगी, उसी पे मैं ये आखिरी एक चार लाइनें सुनाना, चार नहीं हुए, मैं थोड़ी सी वो सुनाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत। मैं बेजान कलम क्या जानू, मैं बेजान कलम क्या जानू, तू मुझसे बेहतर जाने है। मैं बेजान कलम क्या जानू, तू मुझसे बेहतर जाने है। मैं जानू स्याही का रंग, मैं जानू स्याही का रंग, अर्थ अनर्थ तू जाने है। मैं जानू शब्दों की बनावट, मैं जानू स्याही का रंग, अर्थ अनर्थ तू जाने है। मैं जानू शब्दों की बनावट, भाषा तू पहचाने है। मैं बेजान कलम क्या जानू, तू मुझसे बेहतर जाने है। ये जो लिख के सामने आई है, ये जो लिख के सामने आई है, इसमें कुछ तो सच्चाई है। ये जो लिख के सामने आई है, इसमें कुछ तो सच्चाई है। माना थोड़ा काव्य घोला है मैंने, पर पीड़ा तो आसपास से उठाई है। मैं बेजान कलम क्या जानू, तू मुझसे बेहतर जाने है। मैं जानू स्याही का रंग, अर्थ अनर्थ तू जाने है। मैं जानू शब्दों की बनावट, भाषा तू पहचाने है। बड़े बड़े अखबारों की, बड़े बड़े अखबारों पे मैं नाम नहीं, बड़े बड़े अखबारों पे मैं नाम नहीं, ऊंचे दरबारों की मैं शान नहीं, किसी महफिल की मैं जान नहीं, और किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ में बिक जाऊं ये मेरा अरमान। अब इस कलम का अरमान क्या है ये सुने, सच लिखने की जिद है, ये सच लिखने की जिद है, मेरी लिखावट में वो सच्चाई की महक रहने दो। ये सच लिखने की जिद है, मेरी लिखावट में वो सच्चाई की महक रहने दो। ये सच लिखने की जिद है, मेरी स्याही में वो खुददारी चमक रहने दो। मुझसे मिठास की उम्मीद ना करो दोस्तों, मुझसे मिठास की उम्मीद ना करो दोस्तों, मेरी जुबां पे थोड़ा सा नमक रहने दो। वरना यहाँ
वरना यहाँ कलम को खेमों में बांट देने का चलन है, वरना यहाँ कलम को खेमों में बांट देने का चलन है। कभी दाएं वादी, कभी दाएं बाएं वादी, न जाने कितने बहाने हैं, पर मैं बेजान कलम क्या जानूं, तू मुझसे बेहतर जाने है। मैं जानूं स्याही का रंग, अर्थ अनर्थ तू जाने है। मैं जानूं शब्दों की बनावट, भाषा तू पहचाने है। जाने से पहले मैं ये कहूंगा, मैं डायरी लेके आया था, मैं पहली बार बोला था, थोड़े पैर भी कांपे थे, सोचा था कि शायद रेफर करना पड़े, बट दिस क्राउड एंड यू पीपल हैव बीन सच अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू। इट्स बीन, मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं कविता नहीं सुना रहा, आई बीन लाइक टॉकिंग टू यू, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।